यस सर। ओके ठीक, आज हम लोग करेंगे स्क्वायर का सीरीज। ठीक है, जैसे कि स्क्वायर का जो सीरीज है, मान लीजिए आपको क्वेश्चन पूछा इस तरह से, टू स्क्वायर आप लोग कम से कम एक्स से लेकर के 20 तक का स्क्वायर याद कर लीजिए। ठीक है, जैसे 2, 4, 9, 16, 25। नेक्स्ट आपको पूछा गया कितना होगा, 41। थर्टी सिक्स 36, क्योंकि यह दिखने से समझ में आता है कि यह 2 का, सॉरी यह आपका हो जाएगा 1, then 1, then 4, 1 square, then 2 square। ठीक है, then 9 मतलब 6 square हो गया, यह 1 square हो गया, 4 मतलब 2 square, 9 मतलब 6 square, 16 मतलब 4 स्क्वायर, 20 मतलब 5 स्क्वायर। तो ऑब्वियसली 1, 2, 3, 4, 5 इस पैटर्न में वो आगे जा रहा है, तो इसलिए वो नेक्स्ट होगा 6 स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट 7 स्क्वायर वो लोगों ने दे दिया कंफर्म करने के लिए कि हाँ ये स्क्वायर का सीरीज है। तो इस तरीके से स्क्वायर का सीरीज आता है। ठीक है, तो आपको ऐसे भी दे सकता है, सपोज नेक्स्ट क्या होगा इसका, नेक्स्ट 20, नहीं 14 टू को 296 ठीक 296। इसको देखते हैं, देखिए 10 100 स्क्वायर मतलब 100 मतलब 10 स्क्वायर, फिर 144 मतलब 12 स्क्वायर। ठीक है, फिर 196 मतलब 14 स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्या होगा, देखिए 10 12 14, नेक्स्ट क्या होगा, 256 सिक्सटीन, सॉरी सर, टू 16। फिफ्टी तो सिक्स 16 स्क्वायर मतलब 256। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चंस भी आते हैं, जनरली इस तरीके का क्वेश्चन कभी दे देंगे आपको। तो देखने से मतलब अगर आपको स्क्वायर जो है एक्स से लेकर के 20 तक का स्क्वायर, आपको 20 तक का होने से काफी है, मतलब तो याद रहेगा ना आपको, अगर 30 तक याद कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपको स्क्वायर याद रहेगा तो क्वेश्चंस को देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये हो क्या रहा है, या मतलब उन लोगों ने समझाना चाहा। ठीक है, तो इस तरह का स्क्वायर का सीरीज आता है। कभी कभी क्या करते हैं, एन स्क्वायर प्लस वन इस तरह का सीरीज भी आते हैं। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ते हैं, किस तरह से आता है देखिए। मान लीजिए 2, 5, then 10, then 17, then 26, then आपका हो गया 37। नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है, और 50, 65। आप ऑप्शंस जो है, ऑप्शंस दिया हुआ है 50, 48, then 49, 51। ये ऑप्शंस, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ऑप्शंस। 50 आएगा सी सर, 50 50 आएगा। ओके, तो इसमें देखिए, इसमें देखिए 2, 5, 10, 17 इस तरीके का आ रहा है वो। ठीक है, तो इसको अगर देखे, 2 को हम लोग लिख सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस 1। 2 जो है उसको हमने 1 स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। 5 जो है उसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर प्लस 1, 2 दूना 4 5। 10 मतलब 3 स्क्वायर प्लस 1, 17 मतलब 4 स्क्वायर प्लस 1, 26 मतलब 5 स्क्वायर प्लस 1, देन 37 मतलब 6 स्क्वायर प्लस 1। तो नेक्स्ट क्या होगा, देखिए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, 1 तो कॉमन है, प्लस वन तो आएगा आएगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 5 6 स्क्वायर, देन क्या आएगा, 7 स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा, 50 49 प्लस हाँ 49 प्लस 1 50। ठीक है, कभी कभी कुछ कुछ देखना, कुछ कुछ सीरीज, कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसको आप 3 4 तरीके से सॉल्व कर सकते हो, कोई भी सारे करेक्ट है, जो आपको करेक्ट आंसर देगा सारे तरीका करेक्ट है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि कुछ 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 मैथ्स आपका मल्टीप्लिकेशन सीरीज जो पैटर्न है वो अप्लाई करके भी हो जाएगा, कभी कभी एडिशन
का सीरीज आपको अप्लाई करके भी हो जाएगा, तो कंफ्यूज मत होइए, दोनों करेक्ट है। इसको एक बार देख लेते हैं, अगर दूसरा तरीका से देखें तो इधर 3, इधर 5, इधर 7, इधर 9, यहाँ 11, नेक्स्ट कितना होगा, समझ रहे हो? मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, कुछ कुछ सीरीज आपको सामने ऐसे आएगा जो नॉट ओनली स्क्वायर या फिर स्क्वायर प्लस वन, दूसरा तरीके से भी हो जाएगा, एडिशन में भी वो सॉल्व हो जाएगा, फिर दूसरा तरीके से भी सॉल्व हो जाएगा, दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये तरीका नंबर वन है। ठीक है, इसी प्रॉब्लम को आप दूसरा तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, 2, 5, फिर क्या था, 10, 17, 10, 17, देन 26, देन 37, 37, हाँ नेक्स्ट क्या था, ठीक है, और नेक्स्ट लास्ट में था आपका 65, 65। 65, एक तो इसका एक तरीका तो ये हो गया, ऊपर मैंने सॉल्व किया, ये स्क्वायर प्लस वन, एन स्क्वायर प्लस वन का फॉर्मूला, मतलब पैटर्न, नॉट फॉर्मूला, पैटर्न, कि मैंने 2 को 1 स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता हूँ, 5 को 2 स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता हूँ, 10 को 3 स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता हूँ। इस तरीके से एक पैटर्न बन गया कि 1, 2, 3, 4, 5 इसका एक प्रोग्रेशन जा रहा है, तो नेक्स्ट 7 स्क्वायर प्लस 1 होगा, 7 स्क्वायर होगा, प्लस 1 तो कॉमन है, इसमें भी आ गया ये रिजल्ट। दूसरा तरीके से भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, जैसे कि 2 और 5 का डिफरेंस कितना है, 3 का, 3, 5 to 10 में कितना है, 5 है, 5 का, 10 और 17 में 7 है, 2 2 का स्क्वायर, 9 है, 11 है, फिर 13 होगा, तो 13 प्लस 50 हो जाएगा, 50 50 है, 15 का डिफरेंस है लास्ट, ये वो लोगों ने दे दिया ऑलरेडी, तो इसका दो तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो भी तरीका यूज करके आपको सही आंसर आए वही करेक्ट है। ऐसा भी मैथ्स आता है कभी कभी कि 3 4 तरीके से, पिछले बार दिखाया था कोई एक प्रॉब्लम, अभी याद नहीं आ रहा है कि 4 तरीके से सॉल्व किया था, है ना, वो 4 तरीके से ऐसा हो सकता है कि आपके सामने आपको लग रहा होगा कि पता नहीं होगा कि नहीं, लेकिन घबराए मत। ठीक है, जिस तरीके से सही सही पैटर्न में सेम, मतलब सेम पैटर्न फॉलो होगा, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आइदर आप एन स्क्वायर प्लस वन फॉलो करो, या फिर एन प्लस वन फॉलो करो, या फिर एडिशन फॉलो करो, ठीक है, कोई भी पैटर्न सिमिलर पैटर्न होगा वो फॉलो करके करेक्ट आंसर जो पैटर्न आपको देगा वही करेक्ट है। ठीक है, तो घबराना नहीं है, जैसे कि इस क्वेश्चन में 2 पैटर्न में आपने सॉल्व किया क्वेश्चन को। ठीक, इसमें डाउट है? और एक प्रॉब्लम दे देता हूँ, मान लीजिए ये देखो, इसका नेक्स्ट क्या होगा, गलती हुआ, हाँ इसका नेक्स्ट क्या होगा, ओके, ये सिमिलर प्रॉब्लम ही है, मतलब स्क्वायर का सीरीज ही मैं दे रहा हूँ, इसको स्क्वायर का जो है कॉन्सेप्ट ऐड करिए, अप्लाई करिए, करके देखिए, ये भी दूसरा तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शंस लिखता हूँ, 142 नहीं 146 ओके, ये वाला, जी और किसी का दूसरा कुछ आंसर, तो कौन सा पैटर्न उसमें, कोई कैसे सॉल्व किया उसको, जी जैसे कि 4 में है, जो 18 है वो 4 का स्क्वायर प्लस 2, वन देन हाँ आगे 2 का गैप बस देके सिक्स वही है, का स्क्वायर एग्जैक्टली करेक्ट, तो 18 हो गया 4 स्क्वायर प्लस 2, कभी ऐसा भी दे सकते हैं एन स्क्वायर प्लस 2, या फिर ये भी हो सकता है, तो के इसको मैं पहले सॉल्व कर देता हूँ, फिर 38 मतलब 6 स्क्वायर प्लस 2, 64 मतलब कितना है, 8 स्क्वायर प्लस 2, सॉरी ये 66 हो जाएगा ना, 66, ठीक है 66, 8 स्क्वायर प्लस 2, और 102 मतलब 10 स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होगा, देखिए ये 4 स्क्वायर, देन 6 स्क्वायर, देन 8 स्क्वायर, देन 10 स्क्वायर, नेक्स्ट क्या आएगा, 12 स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, ये बीच वाला 66 है, 66, 8 8 64 प्लस 2 66 होगा। ठीक है,
तो ये हो जाएगा आपका 142 प्लस 2 इक्वल टू 146। ठीक है, तो इस तरीके का भी प्रॉब्लम आ सकता है कभी कभी। अच्छा, इसको इसमें कोई डाउट है? ओके, कुछ प्रॉब्लम ऐसा भी होता है, मान लीजिए इसका क्या आएगा? थर्टी होगा। ये 30 होगा। ओके, और कोई आंसर है? ऑप्शंस है, मान लीजिए 30, देन 28, देन 32, देन 35। और कोई आंसर? 30। जी, कभी 30 आया। चलिए, हाँ जी, कोई और आंसर? ओके, का डिफरेंस दे रहा सर है, डिफरेंस दे रहा है। हाँ, डिफरेंस भी कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंस भी कर सकते हैं, एक तरीका यह है। हाँ, नीलू सोने जी 30। हाँ, एक तरीका यह है कि आपने इसका ये निकाल लिया, आप पाबंदी का भी सही है। 2 और 6 का डिफरेंस 4 हो गया, 6 से 12 देन हो गया कितना, 6 हो गया, देन 8 हो गया, तो नेक्स्ट का 10 होगा, वही है ना, 10 होगा। यह है एक तरीका कि आपने जो एडिशन का सीरीज हो गया बेसिकली। ठीक है, तो आपका हो गया 4, 6, 8, तो नेक्स्ट का 10 करके बढ़ेगा, तो हो जाएगा आपका 30। ठीक है, दूसरा तरीका है। किसी का माइक चालू है? हाँ, लग रहा है किसी का माइक ऑन है, तो मेरा आवाज घूम रहा है बेसिकली। एक्चुअली सर की वॉइस ही इको कर रही है। जी सर, किसी का माइक ऑन है तो थोड़ा बंद कर देंगे। नहीं सर, आपका ही हो रहा है, माइक ऑन नहीं किसी का। तो मेरा ही हो रहा है जी, आप एक बार ऑन ऑफ करके देखिए, चेक कर जी सर जी। रिपीट हो रही है सर आपकी बात। हाँ, मुझे भी सुनाई दे रहा है। अच्छा, तो ये बंद है, देखता हूँ। अभी ठीक आ रही सर? अभी ठीक आ रहा है क्या? नहीं, इको बंद करके एक बार चालू कर लीजिएगा सर, वो म्यूट करके फिर चालू। तो मैं लैपटॉप का माइक बंद करता हूँ और इसका चालू करता हूँ। ओके, एक मिनट। अभी ठीक है जी सर जी। अच्छा, अभी को नहीं हो रहा ना? नहीं। ओके ठीक, तो ये गया एक तरीका जो आपने एडिशन का सीरीज अप्लाई किया, हो गया। दूसरा तरीका ऐसा भी हो सकता है, जैसे कि टू क्या था, टू देन सिक्स देन 12, 20, नेक्स्ट क्वेश्चन 42 और नेक्स्ट हो गया था 42। तो एक तरीका था, आपने देख लिया कि एडिशन का आपने अप्लाई कर दिया, प्लस टू करके प्रोग्रेशन में जा रहा था जो डिफरेंस है, तो नेक्स्ट वाला आपने 4, 6, 8 और 10 ऐड कर दिया, हो गया। दूसरा ये भी हो सकता है, ये कुछ कुछ प्रॉब्लम ऐसा हो सकता है कि ये तरीका आपको अप्लाई करना पड़ सके। 2 इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1, करेक्ट है? 6 इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2 लिख सकते हैं। 12 को मैं 3 स्क्वायर प्लस 3 लिख सकता हूँ। 20 को मैं 4 स्क्वायर प्लस 4 लिख सकता हूँ। नेक्स्ट क्या होगा ये वाला? 5 स्क्वायर 5, बस 5 स्क्वायर प्लस 5। और नेक्स्ट इन लोगों ने दे ही दिया, सपोज 6 स्क्वायर प्लस 6। देखिए, ये 2 आएगा, ये 4 आएगा, 6 आएगा, ठीक है ना, ये 12 आ जाएगा, ये 16, 20 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, ये 42 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 तरीका हो गया। तो कुछ कुछ प्रॉब्लम ऐसा भी आता है कि आपको ऐसे मल्टीपल ऑप्शन रहेगा, तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका आइडिया अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है? ठीक है, ओके, ये हो गया एक सीरीज। दूसरा ऐसा भी आ सकता है, इसको अभी वॉइस ब्रेक हो रहा है।
नहीं सर जी, परफेक्ट सही आ रहा। है। ठीक है, और एक तरीका का क्वेश्चन लिखता हूं मैं। जीरो टू सिक्स, इसी को और एक तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। हाँ, टेन होगा मतलब। 12, 20, 30, देन 56। ये सेम प्रॉब्लम है, आपके सामने दो मिल गया, ऑलरेडी दो रास्ता आपके सामने मिल गया, दो प्रोसीजर मिल गया। इसको मैं थोड़ा सा और सेम प्रॉब्लम को मैं लिखा हूँ, ठीक है, सेम प्रॉब्लम को मैं लिखा हूँ, इसको और एक तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उसका कहते हैं एन स्क्वायर माइनस एन। जैसे जीरो को मैं लिख सकता हूँ वन स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, फिर टू को लिख सकता हूँ मैं टू स्क्वायर माइनस टू, लिख सकते हैं। सिक्स को मैं लिख सकता हूँ थ्री स्क्वायर माइनस थ्री, ठीक है। देन 12 को मैं लिख सकता हूँ कितना, फोर स्क्वायर माइनस फोर, लिख सकते हैं ना। देन 20 को सेम प्रॉब्लम, 20 को मैं फाइव स्क्वायर माइनस फाइव, लिख सकते हैं ना। देन नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, सिक्स स्क्वायर माइनस सिक्स, ठीक है। टू तो कितना हो जाएगा, सिक्स स्क्वायर माइनस सिक्स कितना होगा, थर्टी, 30, थर्टी 30 हो जाएगा, और बाकी इन लोगों ने दे दिया, ठीक जी, है। सेवन स्क्वायर माइनस सेवन, हाँ 42 आ जाएगा, सेवन स्क्वायर माइनस सेवन कितना हो जाएगा, 42, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट इन लोगों ने दिया 56, 56 देखिए, 8 स्क्वायर माइनस 8 करिए, 56 आ जाएगा। समझ रहे हो ना, एक ही प्रॉब्लम का तीन तीन ये निकल गया, मतलब तीन तीन तरीका निकल गया। तो आपका आपका क्या है इसमें, आपका दो प्रैक्टिस एक साथ हो गया। पहले देखिए एन स्क्वायर प्लस एन का प्रैक्टिस हो गया, और ये देखिए एन स्क्वायर माइनस एन, ठीक है, एन स्क्वायर माइनस एन का सीरीज है ये। इसमें हमने प्लस करके निकाला था पहले वाला में, इसमें माइनस करके निकल रहा है, डिफरेंस इतना ही है, ठीक है। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। इसमें कोई डाउट है, देखिए, ठीक नहीं है, हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अभी पिछले बार जो तीन चार सीजन में जो आया है, तीन चार सेशन में जो मैथ्स आया है यूजीसी नेट में, उसके प्रैक्टिस करेंगे। और एक होता है क्यूब, क्यूब का भी आप लोग याद कर लीजिए, कम से कम 10 तक तो याद कर लीजिए, 10 तक का क्यूब, ठीक है। क्यूब का सीरीज जो होता है, क्यूब का सीरीज होता है मतलब जैसे स्क्वायर का सीरीज होता है वैसे क्यूब का होता है। स्क्वायर में क्या होता है, टू स्क्वायर मतलब, टू स्क्वायर मतलब टू नंबर्स ऑफ टू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, टू क्यूब मतलब और एक दो बढ़ जाएगा, थ्री नंबर्स ऑफ टू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सर एट हो जाएगा। इस तरीके से टू क्यूब मतलब एट, थ्री क्यूब मतलब 27, फोर क्यूब मतलब 64, फाइव क्यूब मतलब 125, सिक्स मतलब 216, सेवन मतलब 343, एट मतलब 512, है ना, इस तरह से नाइन मतलब 961, देन टेन मतलब 1000, इस तरह से आप कम से कम 10 तक याद कर लीजिए, ठीक है। ओके, जैसे कि अगर लिखा जाए वन देन एट देन 27 देन 64 देन नेक्स्ट क्या आएगा, और यह है क्वेश्चन 125। 125, क्योंकि क्योंकि वन मतलब वन क्यूब, एट मतलब टू क्यूब, 27 मतलब थ्री क्यूब, 64 मतलब फोर क्यूब, देन ये फाइव क्यूब भी आएगा, ठीक है ना, और ये तो सिक्स क्यूब का है, तो फाइव क्यूब मतलब 125। समझ रहे हो, कोई डाउट है? नो सूची। ओके, तो इसको करिए। इसको करिए, कितना आएगा नेक्स्ट, 244। 244, 244, टू फोर्टी फोर है ना जी सर, थ्री वन का क्यू करके वन, 344 टू फोर फोर, थ्री फोर फोर, प्लस फोर फोर फोर, थ्री फोर और फोर फाइव फोर फोर, कौन सा आएगा बताइए। हाँ सही है, आपने बोला है कि 28 मतलब 244 पक्का है,
ना सर, टू रहा फोर फोर नहीं होगा, थ्री है? हाँ फोर कितना फोर हो गया? होगा, सॉरी। हाँ 3 4 4। देखिए 2 and 8 मतलब 3 को +1 करेक्ट है, देन 65 मतलब 4 क्यूब +1 करेक्ट है, 126 मतलब 5 क्यूब +1 ठीक है, देन 217 मतलब हो गया 6 क्यूब +1 ठीक। नेक्स्ट क्या होगा? 7 क्यूब +1 7Q+1 मतलब 343 होगा, 7 क्यूब +1 मतलब 344। तो इस तरह का क्वेश्चन अभी मैं हम लोग करेंगे, 2022 में आया था एक। कभी कभी आपको बोलेंगे कि बीच में सपोज सीरीज को ये लोग कंप्लीट कर देंगे और एक नंबर जो है गलत दे देंगे, आपको कहा जाएगा कि गलत नंबर कौन सा है वो निकालो ठीक है। ओके एक प्रॉब्लम करते हैं, अभी मोटामोटी प्रैक्टिस हो गया, अभी हम लोग धीरे धीरे 2-3 प्रॉब्लम करते हैं। चलिए इसका नेक्स्ट क्या होगा? टू फर्स्ट डिजिट क्या है सर? 2 है सर। है इसका पैटर्न क्या है? इस तरह का पैटर्न आता है जनरली। एट होगा क्या सर? कितना होगा? एट 8। ओके ओके लिखते हैं, एक आंसर है आपका 8। 205 3 10। देखिए इसको मैं लिखता हूँ, एक मिनट, नेटवर्क मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस। ओके ठीक है। देखिए 2 मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 1 स्क्वायर प्लस 1, नीचे को 1 स्क्वायर माइनस 1 लिख जी सकता हूँ, 5 को मैं 2 स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता हूँ, 3 को मैं 2 स्क्वायर माइनस 1 लिख सकता हूँ। समझ रहे हो ना पैटर्न कैसे बना? इसको मैं 3 स्क्वायर प्लस 1 लिखू तो नेक्स्ट को मैं क्या लिखूंगा बताइए? 3 स्क्वायर 10 आएगा सर। 3 स्क्वायर माइनस 1 ठीक है। देखिए 1 स्क्वायर प्लस 1 ये आ गया, 1 स्क्वायर माइनस 1, 2 स्क्वायर प्लस 1, 2 स्क्वायर माइनस 1, 3 स्क्वायर प्लस 1, नेक्स्ट क्या आएगा? 3 स्क्वायर माइनस 1। समझ 8 में आया? तो 8 किसका आंसर आया था? करेक्ट है। जी सर। सर मेरा सर डबल डबल सीरीज से भी हो सकता है क्या? मैंने तो हाँ हो नोट सकता किया है। है, मैंने भी वही हाँ हो सकता है। कौन किया सा कौन सा? दोबारा बताइए। था। 2 सीरीज निकाल के जैसे 2 से 5, 5 to 8 ऐसे अच्छा करके। हाँ कभी हाँ कभी हाँ होता है, होता है, होता है, फाइव यस होता है, होता है, होता ऐसे ही है, किया था। ऐसा जीरो भी होता टू है। जीरो फाइव ये चीज आपको नंबर में ज्यादा देखने को मिलेगा कभी कभी, इस तरह का, इस तरह मतलब लेटर में देखने को ज्यादा मिलता है कभी कभी, इस तरह का मैथ्स में दिख जाता है कि 1 और 3 का आपने पेयर बना लिया है ना, फिर मतलब जो ऑल्टरनेटिव जो प्लेस है उसमें कितना कितना आपका आगे जा रहा है उसको आप देखते क्या कर रहे हो, तो वो भी होता है ठीक है। करेक्ट है ठीक है। तो एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व सर। करने के लिए कई सारे टेक्निक सर काम आ जा सकता है ठीक है। ये सर जैसे कि हमने n³ - 1 या +1 किया था या n² + 1, तो ये कौन सा फॉर्मूला इसको बोलेंगे? इसमें फॉर्मूला नहीं, पैटर्न अभी जो किया ना, इसमें हम लोग किया n² + 1 देन n² - 1, एक n² + 1 रहा, 1 हो रहा है तो नेक्स्ट n² - 1 हो रहा है ठीक है। एक्चुअली जो नंबर सीरीज है फिर लेटर सीरीज है, इसका कोई पर्टिकुलर एकदम डिफाइंड कि ऐसे ही पैटर्न होना है ऐसा कुछ है नहीं ठीक है। इसमें आप अपना मन से भी क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो या फिर एग्जामिनर अपना मन से भी क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है ना, वो है। अभी देखिए मैथ्स करते हैं कुछ, यह आया था
2000 हाँ इसको करिए। यह था जुलाई 22 में, एक नंबर आपको दिया गया सामने। आज मैं क्वेश्चन पोस्ट कर दूंगा, ठीक है ना, कुछ 30 क्वेश्चन रहेगा, उसको कोशिश कीजिए। कुछ प्रॉब्लम होगा तो मुझे नेक्स्ट डे बताइए। जैसे आपको दिया 7, देन 28, देन आया 63, देन आया 124, इसके बाद नेक्स्ट नंबर आया 215, 342, देन 511। फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज, इस सीरीज में गलत नंबर जो है उसको निकालिए। ठीक है, ऑप्शंस है आपके पास 28, 63, 342 और 511। कौन सा इसमें से कौन सा गलत है? ये जो आपके सामने क्वेश्चन ये है, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन 728, 63, 124, 215, 342, 511, इनमें से गलत गलत क्या है इस सीरीज में? क्वेश्चन क्लियर है? आपका क्या है? और कोई आंसर है? आपका भी 28 है क्या? ओके, इसको तो समझ गए होंगे आप इसमें क्या हो रहा है बेसिकली। ठीक है, तो 7, देन 28, देन आपका 63, 124, देन 215, देन आया आपका 342 और 511। अब देखिए इसमें क्या किस पैटर्न को फॉलो करके ये सीरीज जो है प्रोग्रेस कर रहा था। देखिए अगर इसको देखे एक एक झलक, अगर इसको देखे आपको, अगर स्क्वायर और क्यूब आपको याद हो, हाँ ओम प्रकाश जी आपका 28, ओके ठीक है, 28 करेक्ट आंसर है। देखिए इसमें एक चीज है कि आपको ऐसा लग रहा है कि क्यूब के आसपास है, स्क्वायर के आसपास तो नहीं है लेकिन क्यूब के आसपास लग रहा है, ठीक है नहीं? जैसे कि 8, देन 27, 64, 125, 216, 343, 512, ऐसा करके क्यूब जो होगा किसी नंबर का उसका आसपास का लग रहा है, लेकिन आसपास का लग रहा है तो देखिए 7 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 2³-1, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट इसको मैं छोड़ता हूँ, ये फिर देखिए 3³ कितना होगा, 27-1, ठीक है। नेक्स्ट होगा 4³-1, नेक्स्ट होगा 5³-1, ठीक है, ये करने से 124 आ जाएगा। नेक्स्ट 6³-1, 216-1, 215 आ जाएगा। नेक्स्ट 7³-1, नेक्स्ट 8³-1, करेक्ट है? मतलब ये n³-1 का आपका जो सीरीज है उसको फॉलो कर रहा है। अभी जो हम किए थे n³+1, n³-1, n²+1, n²-1 या फिर n² या फिर n³, तो उसी का पैटर्न जस्ट बनाया गया कि n³-1 का पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो उसको फॉलो करते हुए देखिए सारे नंबर करेक्ट आ रहे हैं। ठीक है, 7 ये आना चाहिए था, कितना 27, 20 कितना आना चाहिए था, 26 आना चाहिए था, करेक्ट है? बाकी तो ठीक ही आ रहा है। देखिए 124, देन 215, देन 342, देन 511, बाकी सब सही आ रहा है, सिर्फ ये नंबर मैच नहीं कर रहा है। तो आपका गलत नंबर कौन सा है? 28। ठीक है, कोई डाउट है इसमें बताइए। ओके, देन फरवरी 23 में आया था एक प्रॉब्लम, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, आगे बढ़ सकता हूँ? ओके, देन और एक करिए, फरवरी 23, इसको नेक्स्ट पेज में ले जाता हूँ मैं। देखिए इसमें दिया आपको
नेक्स्ट नंबर निकालना है आपको, फाइंड द नेक्स्ट नंबर। क्या अगला नंबर कौन सा है, अगला संख्या कौन सा है वो निकालिए। माइनस सेवन माइनस फाइव, ठीक, माइनस वन देन प्लस फाइव थर्टीन। ऑप्शंस है, ऑप्शंस आपके सामने है, एटीन ट्वेंटी देन ट्वेंटी थ्री देन सेवनटीन। इसमें बताइए यहाँ पे जो अगला नंबर है वो कौन सा होगा। और एक चीज याद रखिए, आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन है कितना, 23 और दूसरा कौन सा 17। ओके, दो आंसर। देखिए, एक क्वेश्चन आपका नंबर सीरीज से और एक क्वेश्चन आपका लेटर सीरीज से कॉन्फर्म है आएगा, ठीक है, एग्जाम में। तो यहाँ से आपको चार नंबर तो पक्का मिल जाएगा। हाँ बोलिए। और कोई आंसर, ये कौन सा सीरीज फॉलो कर रहा है, ये कौन सा सीरीज है? एडिशन सीरीज में प्लस 6 ऐड किए सर, फिर प्लस 8 ऐड किए, फिर प्लस 10 ऐड करेंगे तो ऐसा होगा। हाँ, मतलब अगर 2 देन 5 देन 8 देन 11 इस तरह से जा रहा है तो डिफरेंस जो हम निकलते हैं, अगर नंबर बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना, पहले हम प्लस का कांसेप्ट लगाएंगे, नहीं होगा तो मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, नहीं होगा तो स्क्वायर प्लस 1 या फिर स्क्वायर प्लस 2 इसका लगाएंगे। पहला प्लस का लगाते हैं, देखिए यह हो गया 3, यह हो गया 3, यह हो गया 3, मान लीजिए ऐसा नेक्स्ट क्वार्टर में जाएगा। तो क्या करता है हम लोग कि दूसरा नंबर है अगर बढ़ते जा रहा है तो दूसरा नंबर को, दूसरा नंबर से पहला नंबर को माइनस करने से आपका डिफरेंस निकलता है कि नहीं। तो इसमें क्या होगा, देखिए माइनस सेवन और माइनस फाइव, तो माइनस फाइव ऑब्वियसली बड़ा है, तो माइनस फाइव माइनस माइनस सेवन, ये डिफरेंस है पहला का, कितना हुआ 2, ठीक है, फिर माइनस वन माइनस माइनस सेवन का डिफरेंस कितना है 4, ठीक है, फाइव माइनस माइनस वन, तो माइनस वन और फाइव का डिफरेंस है 6, ठीक है, 13 और 5 का डिफरेंस कितना है 8, तो कैसा का बढ़ रहा है, देखिए ये हो गया आपका 2 प्लस 2, ये हो गया आपका प्लस 4, ये हो गया 6 का, ये हो गया 8 का, तो नेक्स्ट का कितना होगा 2 4 6 8, तो नेक्स्ट 10 आगे बढ़ेगा ना, 10 प्लस होगा ना, इसलिए 23 हो जाएगा, तो 13 प्लस 10, ये आपका 10 का आगे बढ़ेगा तो 23। इसमें किसी का कोई डाउट है कि नहीं, पहले बोलिए। और कोई सी कोई और पैटर्न सर यूज कर सकते हैं इसमें क्या? इसमें यह सिंपलेस्ट पैटर्न है, एकदम एडिशन का पैटर्न है, प्लस का। सर ये सेकंड लाइन समझ नहीं आया, मतलब सेकंड का इसमें जो ये जो माइनस फाइव माइनस सेवन वाला, इसके नीचे वाला लाइन नाइन कैसा है? अच्छा, माइनस वन और दूसरे, ये तो नंबर, ये तो नंबर का डिफरेंस, माइनस वन और माइनस फाइव का डिफरेंस, माइनस वन माइनस माइनस फाइव, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस माइनस वन प्लस फाइव, मतलब चार का डिफरेंस है, मतलब नेगेटिव का नंबर जितना कम होगा। मुझे लगा वो नाइन लिखा है इसलिए, सॉरी। नहीं नहीं, वो माइनस वन माइनस फाइव है, टोटल आपका चार होगा ना जी? नहीं, वो तो मैंने कैलकुलेट कर लिया था, मुझे लगा आपने 9 लिखा है यहाँ पे 4 की बजाय, इसलिए मुझे गलती लगी, सॉरी। तो ये सिंपल एडिशन का सीरीज है, ठीक है, इसमें कोई डाउट है कि नहीं पहले बोले? ये समझ गया ना कि माइनस सेवन से माइनस फाइव जो है उसका डिफरेंस 2 का से है, समझ गया ना जी? किसी का कोई डाउट है इसमें? ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं। मिनट, ओके, अब नेक्स्ट लिखिए, फोर देन 18
ये नेक्स्ट नंबर क्या होगा, देन 100 180 294। इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा, ये अगर थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ाना अगर चाहता है एग्जामिनर, तब ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। इसका क्लू क्या हो सकता है, इसका क्या होगा आंसर, क्या होगा मैं लिखता हूँ 48 58 68 और 78। लास्ट डिजिट क्या है, 24 प्लस है, लास्ट वाला 294। ये इस डिजिट का बात कर रहा हूँ, हाँ ये 294 है, 180 के बाद 294, मतलब मैं दोबारा लिखता हूँ 4 देन 18 देन इसको निकालना है 100 180 294। देखिए इसमें क्या है ना, एन क्यूब माइनस एन स्क्वायर, ठीक है, क्लू ये है, क्लू सर 68 आएगा क्या, 68 एक आंसर है 68, देखते हैं और कोई आंसर है। इसका क्लू ये है, एन क्यूब माइनस एन स्क्वायर, ठीक है, करिए अभी हो जाएगा, देखिए देखिए n क्यूब माइनस n स्क्वायर ये इसका क्लू, मतलब x में लिखता हूँ 4 देन 18 देन आपका इसको निकालना है, ठीक है, देन 100 देन 180 देन 294। बोलिए इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर, सही है, आप कर लीजिए बाकी हो जाएगा ना। हो जाएगा ना, यस सर, हाँ क्या आया 48 आया, ओके तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 क्यूब माइनस 3 स्क्वायर, ठीक है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 4 क्यूब माइनस 4 स्क्वायर, मतलब 64 माइनस 16 कितना आया 48। इसका देखिए 5 क्यूब माइनस 5 स्क्वायर, इसको हो जाएगा 6 क्यूब माइनस 6 स्क्वायर, 216 माइनस 36, इसको हो जाएगा 7 क्यूब माइनस 7 स्क्वायर, 294। क्लियर है कॉन्सेप्ट जी, ठीक है, इसमें कोई डाउट है किसी का, बताइए ये पैटर्न फॉलो हुआ एन क्यूब माइनस एन स्क्वायर का, ठीक है, कोई डाउट है बेसिकली सर जी, हमने स्क्वायर और क्यूब्स के अंदर इसको थोड़ा कोशिश करना कि पहले उसको ब्रेक करके देखें स्क्वायर्स में और क्यूब्स के अंदर, पहले आप एडिशन का ट्राई करना, नहीं होगा तो जो स्क्वायर का देखना, नहीं होगा तो स्क्वायर प्लस 1 फिर स्क्वायर माइनस 1, नहीं होगा तो क्यूब देखना, कि क्यूब नहीं होगा तो लास्ट ये भी ट्राई करना कि क्यूब माइनस स्क्वायर ऐसा हो सकता है कि नहीं, है ना, पॉसिबिलिटी जस्ट ऐसा, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको देखते ही क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखता हूँ, ये भी आया हुआ है,
नेट एग्जाम में एकदम इजी है। 2, 3, 12, 37, 86 देन 166, ठीक है। इसमें आपको निकालना है फाइंड द रॉन्ग नंबर, गलत नंबर कौन सा है, ठीक है, गलत नंबर कौन सा है ये निकालना है। तो क्वेश्चन क्या होगा, 166, 86, 288 या 37, कौन सा गलत है ऑप्शंस, ठीक है। इसको इसको करिए। अभी हम लोग ऑलमोस्ट इसी तरह का करके आए थे, ऑलमोस्ट इसी तरह का 2, 3, 12, 37, 86, 166, 288, गलत कौन सा, कोई क्लू? हमने थोड़ी देर पहले एन स्क्वायर प्लस वन किया था, ठीक है, इसको कर लीजिए आप एन प्लस एन स्क्वायर उल्टा, एक बार प्लस एक बार माइनस करें सर, एक प्लस एक माइनस है। हाँ बोलिए, मैं लिखता हूँ। टू को कैसे लिखा आपने, इसमें अभी बना रहा हूँ सर, वन पर वन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस वन और फिर एन स्क्वायर माइनस वन, तो ये क्या होगा, ये तो टू स्क्वायर माइनस वन, देन ये तो थ्री स्क्वायर प्लस वन होना चाहिए, तब तो टेन होना चाहिए, ये नहीं होगा, ठीक है। चलिए मैं उसको लिखता हूँ, देखिए इसको टू को मैं लिख सकता हूँ टू, ठीक है, टू को टू ही लिखता हूँ। देखिए तो नेक्स्ट थ्री से मैं स्टार्ट करता हूँ, टू स्क्वायर, सॉरी, वन प्लस और टू प्लस वन स्क्वायर प्लस टू, टू प्लस वन स्क्वायर, देखिए टू प्लस वन स्क्वायर, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ थ्री प्लस थ्री स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये हो गया आपका थ्री, ये हो गया ट्वेल्व, इसको लिख सकता हूँ मैं ट्वेल्व प्लस फाइव स्क्वायर, ठीक है, हो जाएगा 37। फिर ये जो आ रहा है ना नंबर, ये जो थ्री आ गया, ट्वेल्व आ गया, फिर 37 आ गया, इससे नेट बनाना है आपको, ठीक है। फिर लिख सकता हूँ मैं 37 प्लस सेवन स्क्वायर, तो आ जाएगा आपका 86। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 86 आ गया ना, आप हो गया 86 लाख नाइन स्क्वायर, मतलब 81 इक्वल टू 167, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाएगा आपका 167 प्लस 11 स्क्वायर, तो देखिए इसमें 167 आना था लेकिन हम लोगों का आ गया 166, तो ये आंसर गलत है, 166 वाला आंसर, इसको और करेंगे ना, 166 प्लस 167 प्लस 121, ये आ जाएगा आपका 288, ठीक है। तो 288 आ रहा है आपका, बीच में ये नंबर गलत आया, समझ रहे हो, कुछ समझ में आया ना, उसका मैं लिखता हूँ, दोबारा लिखता हूँ, देखिए 2, 3, 12, इतना डिफिकल्टी आता नहीं है जनरली, लेकिन फिर भी 86 166 288, इसको मैं बोल रहा था कि जैसे कि थ्री जो बना है, टू को छोड़ दीजिए, टू से हम थ्री को बनाएंगे, ठीक है, तो थ्री टू तो टू ठीक है, थ्री को हम बनाते हैं, देखिए टू प्लस वन स्क्वायर थ्री बना, इस थ्री सब को नेक्स्ट नंबर को बनाना है, ठीक है, तो थ्री प्लस थ्री स्क्वायर हो गया ट्वेल्व, इस ट्वेल्व को आपको नेक्स्ट नंबर को बनाना है, ट्वेल्व प्लस फाइव स्क्वायर, मतलब ये जो बीच में जो जिसका स्क्वायर में कर रहा हूँ वो देखिए 1, 3, 5 इस तरह से बढ़ रहा है, और जो नंबर बन रहा था, ये जो नंबर बन रहा है इसी के साथ
वो जो प्रोग्रेशन आ रहा है ना 1 3 5, उस प्रोग्रेशन का स्क्वायर को ऐड करना है, ठीक है। तो 12 के साथ 5 स्क्वायर मतलब 12 प्लस 25 तो 37 आ जाएगा, ये 37 आ गया। नेक्स्ट इस 37 का ऐड करना है आपका किसके साथ, देखिए 1 3 5 तो 7 स्क्वायर, तो 49 प्लस 37 86 आ गया। नेक्स्ट 86 को ऐड करना है किसके साथ, 7 आ गया तो इधर 9 हो जाएगा, 9 स्क्वायर 81 प्लस, हाँ 81 प्लस 86 तो 167 आता है, 81 हाँ तो 167 आता है, ठीक है। नेक्स्ट 167 आ गया आपका, 167 के साथ 11 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये जो बीच में जो मैं ऐड कर रहा था 3 5 7 9 11 इस तरह से ऐड कर रहा था, तो 167 प्लस 121 तो आ जाएगा 288। सब कुछ सही से आ रहा है, बस ये नंबर जो है वो सही नहीं आ रहा है, ये वाला देखिए, तो ये गलत आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया ना, ये प्रॉब्लम समझ में आया, आपका वॉयस ब्रेक हो रहा है, दोबारा बोलिए। नहीं नहीं दोबारा बोलिए, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, दोबारा बोलिए। स्क्वायर जो कर रहा था उसके बारे में पूछ रहे थे ना आप, बेसिकली आप मैं जो स्क्वायर कर रहा था उसके बारे में पूछ रहा हूँ बेसिकली, है ना। तो ये है, मैं बोल रहा था ये जो पहला नंबर जो बन रहा है ना, ये जो पहला नंबर जो बन रहा है इसमें क्या क्या, पहला जो नंबर है उससे दूसरा नंबर को बना रहे हैं वो लोग, ठीक है। जैसे कि को कैसे बनाया, 2 से 2 प्लस 1 स्क्वायर मतलब 3 हो गया, ये जो पहला नंबर आया उससे दूसरा नंबर बनाया तो इसका भी क्या किया 3 प्लस 3 स्क्वायर बना दिया तो हो गया 12। अभी 12 से 37 बना रहे हैं, अब देखिए 12 आ गया, अभी 12 प्लस देखिए 1 3 5 इधर 5 स्क्वायर 25 हो गया, ठीक है, तो हो गया 37। अभी ये 37 आ गया, 37 से 86 बना रहे, 37 के साथ आ गया 7 स्क्वायर ऐड कर देंगे तो 86 बन जाएगा। मतलब देखिए ऐसा होने से एक बार ये जो बीच वाला जो है लास्ट नेक्स्ट जो नंबर है 1 3 5 7 इस तरह के आगे बढ़ रहा है ना, तो नेक्स्ट वाला क्या होगा 86 तो आ गया, 86 से 86 166 बनाना है, प्रोग्रेशन क्या आ रहा है 1 3 5 7 तो ये 9 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तब जाके 167 बन रहा है। समझ में आया, मतलब जो पिछला नंबर है उस नंबर से आपको नेक्स्ट नंबर बनाना है, आपको 2 से 3 बनाना है, 3 से 12 बनाना है, 12 से 37 बनाना है, 37 से 86 बनाना है, समझ में आया, 86 आपका नेक्स्ट नंबर बनाना है, ठीक है। ये क्लियर है? यस जी सर। ओके आज का इतना तक लगता है, मैं क्वेश्चन पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है, और बाकी जो है सर ये क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लग रहा है सर, तो इसमें कैसे हम पहचानेंगे कि इसमें स्क्वायर का थर्ड का, ये थोड़ा कंफ्यूजन है। हाँ वही मैं बोल रहा था, जितना प्रैक्टिस करोगे ना उसमें देखने से आपको समझ में आ जाएगा, और जनरली जो एग्जाम में आता है वो आसान क्वेश्चन नहीं आते हैं जनरली, ठीक है ना, आसान एकदम सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ये तो थोड़ा टफ टाइप का है, थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन जनरली सिंपल क्वेश्चन आता है, ठीक है। हम देखा होगा अभी जो हमने सॉल्व किया उसी तरह का क्वेश्चन आता है, तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको क्वेश्चन देखने से पता चल जाएगा कि ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। सर मेरे माइंड में जो क्वेश्चन चल रहा है अभी वो डाउट क्रिएट कर रहा है, कौन सा जी, इसको शो करिए सर, हो रहा है जी, जी सर शो हो रहा है। तो सर जैसे कि आपने पहले किया है ये 1 स्क्वायर का, फिर 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 9 स्क्वायर, तो 1 के बाद 2 आया है, ये क्या लिखे हैं सर, शो नहीं हो रहा क्लियर से। नहीं नहीं ये वाला जो है आपका 2 से हम 3 को बना रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ पहला नंबर से दूसरे नंबर को बना रहे हैं, इस मैथ में 2 3 12, इसके बाद था आपका 37 देन 86, यहाँ तक लिखता हूँ मैं, क्या हुआ ये लोग क्या कर रहे हैं, पहला नंबर से दूसरे नंबर को बना रहे हैं, पहला नंबर से दूसरे को बना रहे हैं, ये पिछला नंबर से अगला नंबर को बना रहा है, ठीक है ना, ये
इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हो लोग, इस जो पिछला नंबर है उससे मैं नेक्स्ट नंबर को बनाऊंगा, ठीक है। तो इसीलिए 2 प्लस 1 स्क्वायर आगे, ठीक है, बना रहा है कैसे, 3 प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है, तो बन गया 12। इसी तरह से 12 से 37 को बना रहे हैं, तो आपको 12 आ गया, 12 के साथ अगर 5 स्क्वायर ऐड कर देंगे तो 37 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 86 क्या होगा, देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं, जो पहला नंबर है पहले नंबर से दूसरा बना रहे हैं, तो पहला नंबर में यहाँ पे प्रोग्रेशन है, तो 39, 37 प्लस 49, 86, तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए नेक्स्ट नंबर बना। तो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट 86 तो ठीक ही रहेगा, प्लस देखिए 1, 3, 5, 7, तो 9 हो जाएगा, 9 स्क्वायर 167 हो जाएगा। ये समझ में आया, मतलब कॉन्सेप्ट है, जो पिछला नंबर है ऐसे 2 से 3 बनाएंगे, 3 से 12 बनाएंगे, 12 से 37 बनाएंगे, 37 से 86 बनाएंगे, ऐसा है। ओके सर, ठीक है, तो वही है उसका। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना तक रखते हैं, कल से हम लोग लेटर से इसको शुरू करेंगे, ठीक है। हरिओम, नमस्ते, हरिओम सर।